पैसा जो वैल्यू था ना, पैसा को सेपरेट करने के लिए एक बताया गया चेक। पैसा को सेपरेट करता है चेक। आप किसी से छीन लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, है ना, सिग्नेचर हुई है सब करल है, छीन लीजिएगा। ये डायरेक्ट फोन कर देगा, मैनेजर साहब आज भिड़ा के छीन लिया चेक और सिग्नेचरों करा दिया। वो क्या करेंगे मैनेजर साहब ना, कि आपका खतवे लॉक कर देंगे कि ट्रांजेक्शन लेन देन बंद, ठीक है। आ जहाँ चेक लेके गए बैंक में तुरंत चले जाइए थाना में। फोन नहीं किया तो गया गया, मालूम ही नहीं है मैनेजर साहब को कि लॉक करे कि क्या करे से, ठीक है। तो ये सब जैसी होता है ना तो देखिएगा तुरंत पहुँची, एटीएम भुला गया तो हाँ तुरंत एटीएम बंद कराओ ना तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, है ना। तो पिन तो जैसे इतना अभी दिमाग आदमी का घूम रहा है ना कि पिनों को हथिया लेता है, है ना। तो टेक्निकल ऐसा ऐसा होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ऐसे ना बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना चीज। तो ये कर लेता है चेक से भी उसी किया गया। तो एक लाया गया एटीएम कार्ड, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक है। ऐसे से भी हार्ड लाया गया जिसको बोलते हैं क्या चीज, ऑनलाइन पेमेंट। लग रहा है कि खत्म हो गया है, ठीक है। इसको से भी आरामदायक है और सेपरेट है, जिसका मोबाइल पर डाले उसी के मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। एक देखिए इधर, अभी सुने हुए क्यूआर कोड, इससे पहले चलता था बार कोड। बार कोड लिंक ग्लेशियर है उसमें देखिए बना हुआ होगा इस तरह से, इसको बोलते हैं बार कोड। अरे लिंक ग्लेशियर है ना पेन, अच्छा है उस पर, इसको बोलते हैं बार कोड, ठीक है। और जो चरखूंट रहता है आधार कार्ड पर, किसी को पेमेंट करा जाता है कि पे फोन गूगल पे, उस सबको बोलते हैं क्यूआर कोड। ध्यान दीजिएगा बार कोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर होता है इससे, ठीक है। क्यूआर कोड कहता है कि क्विक रिस्पॉन्स, पैसा किसी को दीजिएगा ना उसको पजाइएगा, खाली कैमरा वाले जाइए तुरंत आ जाएगा, अब पैसा दीजिए, इतना जल्दी स्कैन कर लिया जी, एकदम क्विक रिस्पॉन्स है तुरंत। अब बार कोड को स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कोई सामान उमान लीजिएगा खरीदिएगा ना तो मॉल में देखिएगा निकालेगा इसे मारेगा पी, ठीक है। तो उसके सामने लेजर चाहिए एकदम, उसको से लाइट छोड़ता है कि सामने आया या नहीं आया। तो क्यूआर कोड लगा रहेगा तो उसको पर क्लिक कर देगा ना तो सिस्टमा में डायरेक्ट चल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि दो पीस सरफ खरीदे तो बस लाइए मारिए क्यूआर कोड ले लिया स्कैन कर लिया, उसके से क्या होगा स्कैन करके सिस्टम में चला गया आपको बिल बना करके दे देगा। ये होता है क्विक रिस्पॉन्स, इसको से बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और इसको में भी कैटेगरी होता है कि नॉर्मल होता है एक हाई होता है। अगर बिजनेस पर्सन से रखिएगा तो एकदम हाई रहेगा, जैसे समझिए किसी के मोबाइल से मोबाइल भेजना है ना आपको, ठीक है। तो मोबाइलवा में आता है क्यूआर कोड और उसको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं मिलाइएगा ना तब तक वो मिलने वाला नहीं है। अगर कोई बिजनेस के पर्पस, जैसे वहाँ पे देखिए रखा हुआ है कि HD कंप्यूटर क्लासेस का क्यूआर कोड, तो बिजनेस के पर्पस से है वो, तो जैसे ही खाली लेंस आया नेट खाली बढ़िया से चलना चाहिए, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दे दिया पेमेंट डालिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूआर कोड और इसको बोलते हैं बार कोड, ध्यान दीजिएगा। इसको ही नहीं बोल देना कि बार कोडवा है या इसको बोल दीजिएगा।